शिवपुरी जिले के कुंवरपुर ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है। यहाँ पर सरकारी फंड तो निकाल लिया गया है, लेकिन वो फंड सरपंच और सचिव ने मिलकर डकाल किया है। पूरा मामला यह है कि कुंवरपुर गांव में 5 साल के लिए ममता रावत पत्नी दिनेश रावत जो सरपंच पद को संभाले हुए हैं और इसी गांव के सचिव शिवराम पाल और सेक्रेटरी सत्येंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने लगभग 3 साल से सरकारी फंड का इस्तेमाल अपने निजी खर्चे में किया है, तो वहीं गांव के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर देखा जाए तो पूरे गांव की स्थिति जर्जर पड़ी हुई है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। कई सालों से आवास योजना के तहत शौचालय बने हुए हैं, वो अभी तक आधे अधूरे पड़े हैं। उनकी स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सड़कें अधूरी पड़ी हैं, ऐसे बारिश में कीचड़ और पानी हमेशा भरा रहता है। इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नालियों का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है, जिससे बरसात के दिनों में घरों में पानी भरा रहता है। इससे रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। एक और खेल ग्राउंड की जगह नपती हुई, उसके बाद राशि स्वीकृत हुई, लेकिन वहां पर खेल ग्राउंड नहीं बनाया गया बल्कि निजी धर्मशाला बना ली गई है। जब इन ग्रामीणों की समस्या के बारे में सरपंच सचिव और सेक्रेटरी सभी से बात करने की कोशिश की गई तो सभी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन कैमरे के सामने किसी ने भी आवाज नहीं निकाली। सीसी रोड कौन सी है पहले बताना पड़ेगा, कौन सी अधूरी पड़ी है, हम उसकी जांच करवाएंगे। जैसे गांव में काफी तो कीचड़ है वहां पर, तो वहां भी मतलब सीसी का निर्माण नहीं हुआ है सर, इस बारे में जरा बताइए। तो ग्राम सभा को पूरा अधिकार है गांव में कहां रोड पहले बनाना है, क्योंकि पंचायत को सीधा पैसा पंचायत को ही जाता है और पंचायत निर्णय करती है इसको। आधी बनी है आधी नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे विकास कार्य कैसा है सड़कों का? सड़कों का तो कोई विकास नहीं है, गाली मेन रोड है का वो सही है नहीं, और तो सब पहले थे बासी का। हम तो कचत जाते हैं खींच में, अरे समाधान तो कहा होगा, वो कछुआ लोई नहीं है, बोरन पे जाते हैं हमारे, और रास्ते ही नहीं है अपने, ना तो रोड। शिकायत करी है पंचायत में दे आए, कोई सुनवाई नहीं हुई। जो तालाब है तालाब की गहरीकरण करवा रहे थे हमें, तो तालाब की कोई सुनवाई नहीं हुई। मरघट गाने की समस्या थी, वो पूरा गिर गया, उसमें स्टाल वगैरह सब चारों तरफ से रख ली। और बस यही यही समस्या हमारी, और चबूतरा को वो तो निजी पैसे से बनवाया हमने, और वैसे नहीं है शायद राशि कोई नहीं है। और बाई में ही कहा वो आया थे, बाई में स्टॉल है और वे चारों तरफ से गिर लावा, मकान भी बना लाए उसमें। कार्रवाई कर भी गए थे, दे गए थे जेम चाली तहसीलदार आओ तो भी कह दे गए 22 तारीख को तुम्हारी वो हो जाएगी समस्या, वो आज आज तक नहीं भाई। सरपंच दिनेश सर ममता है, ममता रावत। बाबू जी क्या नाम है तुम्हारा? अमृत लाल। नहीं बनी आज गड्ढा चुनो डावे। कितना टाइम हो गया गड्ढे चुने को? 3 साल। अभी तक अधूरी पड़ी है। कोई नहीं आओ सेक्रेटरी से वो बिन से कह लाई।